हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी कन्फ्यूजन पॉइंट। मैं ब्रजेश कुमार, आज 14 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो ये पंचवर्षीय योजना चीन ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 2, ताइवान की पैट्रियोट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए किस देश ने $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी अमेरिका ने दी है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये इस्तीफा संजीव वर्णवाल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएल 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल 2022 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ईशान किशन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए आरबीआई ने क्या थीम चुनी? तो ये थीम गो डिजिटल गो सिक्योर चुनी है। क्वेश्चन नंबर 8, एनसीआरबी के अनुसार बीच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं किस राज्य में हुई? तो ये झारखंड राज्य में हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली? तो ये यूनाइटेड किंगडम को मिली है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की? तो ये सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस ने की है। क्वेश्चन नंबर 12, वीमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट के अनुसार भारत में बोर्ड सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व 17.1% है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।